गुरु के हमारे साथियों को ढेर सारा नमस्कार और प्यार। आपकी परीक्षा बहुत करीब है और बीपीएससी 67th बैच की जो परीक्षा है वो 8 मई को होने वाली है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बच गया है। हमने जो भी सामग्री दी है वो बहुत उपयुक्त है, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी 10-15 दिन जो बचे हैं उसका बेहतर उपयोग करें, समय का बेहतर प्रबंधन करें, जितनी पढ़ाई की है आप उसका रिविजन करें और करंट अफेयर्स के तौर पर आप ये जानें कि 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर तक की तमाम घटनाओं को आपको ध्यान देना है, चाहे वो खेल से जुड़ा हो, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हो, पैरा ओलंपिक से जुड़ा हो, विंबलडन से जुड़ा हो, या लॉन टेनिस से जुड़ा हो, या कोई अवार्ड है, या फिल्म से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, उन तमाम चीज़ों को एक बार आप जरूर रिपीट करें और दिन में आप पढ़ें और उसे नोट डाउन करें, रात में उसका रिविजन करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। करंट अफेयर से खास तौर पर एक साल का आपका जो करंट अफेयर से, इससे कम से कम 20 से 22 प्रश्न आने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इसलिए आप चुके नहीं, जो भी आप मैगजीन पढ़ते रहे हों उसका अध्ययन करें, मानक जो मैगजीन आप पढ़ते ही रहे होंगे उनको रिपीट जरूर करें, आप नए मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के जो घटनाक्रम हैं उसको आप एकदम अच्छी तरह से जान लें, एक एक चीज को रिपीट कर लें, पढ़ लें और समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी समझ होगी कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल तो आपके होंगे, जो टोक्यो ओलंपिक है उस पर जरूर ध्यान आप देंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए, कोरोना से चूंकि 2 साल बीत गया उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम जो हैं करंट अफेयर्स में आएंगी। आप जरूर पढ़िए, हम अपने वेबसाइट पर, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे क्लास प्लस के वाह गुरु प्लेटफॉर्म पर आपको और भी जानकारी हम देंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामना है, आप दिन रात मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्ते।